थैलेसीमिया मेजर बच्चों के लिए काम करता है, ऐसे बच्चे जिनको बचपन से ब्लड नहीं बनता, मेरा बेटा उनमें से एक है। और इस तरह ये हमारी टीम है, कोई अपना सा फाउंडेशन, इन बच्चों के ठीक होने के लिए हम एक टेस्ट करा रहे हैं, एक बोन मैरो टेस्ट जिसको HLA टेस्ट कहा जाता है, जो कि एक महाकुंभ जैसा हो रहा है। और इसमें पूरे देश के कई राज्यों से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, पटना से, रांची से, धनबाद से, और भोपाल से, और शहडोल, और कई जगहों से बच्चे आ रहे हैं। तो हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में यह टेस्ट हो रहा है, और यह एक 10,000 का टेस्ट है जो कि जर्मनी के लैब से हमारे काम को, हमारी सेवा को देखते हुए हमें दिया जा रहा है। इस टेस्ट से बच्चों का HLA यानी DNA टेस्ट हो जाएगा, और उनसे पता चल जाएगा कि ये भाई बहन अगर आपस में 100% मैचिंग होते हैं तो इनका ऑपरेशन हो जाएगा, और वो थैलेसीमिया बच्चे थैलेसीमिया से हमेशा के लिए ऑपरेशन करा के मुक्त हो जाएंगे। तो ये टेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो निःशुल्क हो रहा है, और करीब 50 फैमिलियों से भी ज़्यादा फैमिलियाँ, गांव-गांव के छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, बहुत ही निर्धन परिवार से बच्चे हैं, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 10,000 का एक टेस्ट हम एक बच्चे का हम करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे राज्य में हो रहा है, और इसको छत्तीसगढ़ के लोग भी करा रहे हैं जो थैलेसीमिया मरीज हैं, और इसके अलावा पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं, और ये टेस्ट उनको निःशुल्क दिया जा रहा है। ये हम ही लोग करते हैं, काश फाउंडेशन ही करता है, हमने पिछले साल भी किया था, पिछले साल भी हमें 100 किट मिली थी, और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा, और इसमें से सफल भी हुआ, और 12 बच्चों का इसमें ट्रांसप्लांट हो भी गया, और वो अभी बिल्कुल ब्लड रहित जीवन जी रहे हैं, थैलेसीमिया मुक्त होकर वो ये जीवन जी रहे हैं। तो उस लैब ने हमें प्रोत्साहित करते हुए इस बार 200 किट दी हैं, और अब हम पूरे देश, पहले हमने छत्तीसगढ़ का किया था, अभी हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो सभी को सहयोग देना है, और हमारे इस कार्य के लिए सब आशीर्वाद दें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो पाएँ। हम लोग थैलेसीमिया बच्चों पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, इनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, और भरपूर सहयोग इसमें सेक्रेटरी, ये खुद थैलेसीमिया मेजर हैं, संदीप कुकरेजा, जिनको हर 15 दिन में ब्लड लगता है, और मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव मेरे साथ हैं, जो मुझे काफ़ी सहयोग है हमेशा करते हैं, और सरकार से भी हमें आशा है कि वो हमें सहयोग करेगी, और इस कैंप को एक काफ़ी फलदायक बनाने के लिए सरकार भी हमारा साथ देगी, मुझे ऐसी आशा है। छत्तीसगढ़ में करीब 550 मरीज हैं, और सिकलिंग भी इसका ही सेम रूप है, और हम सिकलिंग के लिए भी ये टेस्ट कर रहे हैं, और 10,000 का एक टेस्ट जो कि निःशुल्क हो रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। निर्धन परिवार के लिए तो 40,000 पूरे परिवार का एक टेस्ट होगा, तो बहुत ही अच्छी इसमें हमको मदद मिल जाएगी, और हम आगे बढ़ सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बच्चों को ठीक किया जा सकता है। लगभग दोनों सेम ही है, सिकलिंग और थैलेसीमिया। सिकलिंग में कभी कभी ब्लड लगता है, उसमें रेगुलर बेस पे ब्लड नहीं लगता, और थैलेसीमिया में बच्चे को जन्म से 4 महीने बाद से हर 15 दिन में ब्लड लगता है।